हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुमैर, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेयर अकाउंट से या फिर अपने परफेक्ट मनी अकाउंट से आप विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, अपनी पेमेंट इजी पैसा जायज कैश में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक आसान सा मेथड बताने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ पर आपको एक एक्सचेंजर बताने वाला हूँ, इस एक्सचेंजर से आप अपने जो फंड्स हैं वो किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने सिंपली लिंक पर क्लिक करना है, आपके सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। आपने यहाँ पर सिंपली थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अकाउंट बना लेना, आसान तरीका अकाउंट बनाने का, तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपने पर्सनल पर क्लिक करना है अकाउंट। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड देना है कन्फर्म पासवर्ड, और नीचे कंट्री और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा वेबसाइट का जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डिपॉजिट करना है, इधर जो मेरा बैलेंस है अभी यहाँ पर जीरो है, ऊपर आपने यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, इधर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने डिपॉजिट में चले जाना है जी। तो यहाँ पर आने के बाद इधर आपने करेंसी यूएसडी को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने यूएसडी में फंड्स ऐड करने हैं। इसके बाद नीचे आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको पेयर और परफेक्ट मनी का भी मेथड मिल जाता है, आपके जिस वॉलेट में आपके फंड्स पड़े हैं आपने वो वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं परफेक्ट मनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पेयर अकाउंट में फंड्स पड़े हैं तो यहाँ पर आपने पेयर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करनी है, यहाँ पर मैं 5 USD एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपने सिंपली डिपॉजिट पर आपने क्लिक कर देना है जी। तो यहाँ पर अब आपने इनको अपने परफेक्ट मनी अकाउंट से इनको USD सेंड करने हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा आगे चले जाना है, यहाँ पर आपको इनका परफेक्ट मनी का अकाउंट नंबर दिखाई देगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है। अगर आप पेयर अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पेयर अकाउंट का अकाउंट नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इनको अपने परफेक्ट मनी अकाउंट से 5 USD सेंड करता हूँ, $5। तो मेरे परफेक्ट मनी अकाउंट में फंड्स पड़े हैं तो इसलिए मैंने परफेक्ट मनी मेथड सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं इनको अपने परफेक्ट मनी अकाउंट से $5 सेंड करता हूँ। पेयर अकाउंट या परफेक्ट मनी अकाउंट से पेमेंट सेंड करने के दौरान नीचे आपको रेफरेंस नंबर दिखाई देता है, यहाँ पर नीचे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना और वहाँ पर आपने पेस्ट करके पेमेंट सेंड कर देनी है जी। तो पेमेंट सेंड करने के बाद पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है जिसको TID बोलते हैं, उसको आपने कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है ट्रांजेक्शन आईडी पर जी। तो यहाँ पर मैंने इनको $5 सेंड कर दिया इनके परफेक्ट मनी अकाउंट में, तो यहाँ पर उसकी ट्रांजेक्शन आईडी मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर नीचे मैं सबमिट कर देता हूँ। यूआर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली, यहाँ पर मैं बैक डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ जी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो $5 का जो डिपॉजिट है यहाँ पर आपको पेंडिंग में दिखाई देगा, 1 से 2 आवर्स के अंदर आपका जो डिपॉजिट है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। तो यहाँ पर मैंने डिपॉजिट कर लिया, नीचे आपको $5 का डिपॉजिट दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से आपको विड्रॉ करने का आपको तरीका बताता हूँ, इजी पैसा जायज कैश या बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आपने इन डॉलर्स को एक्सचेंज करना है पाकिस्तानी करेंसी में, उसके बाद यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने इजी पैसा जायज कैश बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर ऊपर आपने थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा, आपने एक्सचेंज पर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपने USD को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आपने अमाउंट लिखनी है, यहाँ पर मैं $5 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर कुछ फ़ी भी लगती है जी। तो हमारे डॉलर्स पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज हो चुके हैं, मुझे $5 के मिले हैं, ₹1325। यहाँ पर मैं बैक डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको ₹1325 दिखाई देंगे। अब इनको आपको इजी पैसा जैस कैश में विड्रा करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपने थ्री लाइंस पर आपने क्लिक करना है, इधर आपने विड्रा पर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर आने के बाद इधर आपने वॉलेट सेलेक्ट करना है जिसमें आपके फंड्स ठहरे हैं, इसके बाद आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इजी पैसा जैस कैश बैंक ट्रांसफर और भी आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पर आपने अमाउंट लिखना है, यहाँ पर मैं 1000 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिखना है, इसी पैसा का अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे आपने फुल नेम लिखना है, फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली विड्रा पर आपने क्लिक कर देना है जी। तो यहाँ पर हमारी विड्रा रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर हमें 3 आवर्स के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो ऑर्डर है वो क्रिएट हो चुका है, इधर हमारी जो पेमेंट है वो पेंडिंग में है, कुछ आवर्स के बाद ये जो हमारा विड्रा ये कम्प्लीट हो जाएगा जी। तो यहाँ पर मेरा जो विड्रा है वो कम्प्लीट हो चुका है, 1 आवर के अंदर जो मेरी पेमेंट है वो इसी पैसे के अंदर आ गई थी जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आएगी और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।